मध्य रेलवे जनता की आकांक्षाओं को ग्राहक केंद्रित सेवाओं के माध्यम से पूरा करना। दक्षिण मध्य रेलवे भारत के दक्षिण का प्रवेश द्वार आज भारतीय रेल का एक प्रमुख जोन है। दक्षिण मध्य रेलवे अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण देश के अन्य भागों को दक्षिण से जोड़ने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। 5,946 किलोमीटर लंबे मार्ग तथा 689 स्टेशनों द्वारा सेवित यह जोन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के एक बड़े हिस्से, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्सों तथा मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के एक छोटे हिस्से तक फैला हुआ है। दक्षिण मध्य रेलवे का गठन 2 अक्टूबर 1966 को हुआ था। इसी तारीख को सौभाग्यवश भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस भी है। आरंभ में इस जोन का गठन दक्षिण रेलवे के विजयवाड़ा और हुबली मंडलों तथा मध्य रेलवे के शोलापुर और सिकंदराबाद मंडलों को शामिल करते हुए किया गया था। बाद में इसके क्षेत्राधिकार में हुए परिवर्तन के कारण वर्तमान दक्षिण मध्य रेलवे का यह रूप सामने आया, जिसमें सिकंदराबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, गुंटूर, गुंतकल और नांदेड़ मंडलों का नेटवर्क शामिल है। दक्षिण मध्य रेलवे आने वाले समय में अवसंरचना को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। इसकी स्वीकृत बड़ी परियोजनाओं में से कुछ हैं 21 नई लाइनें, 13 लागत की भागीदारी के आधार पर 7 दोहरीकरण, 7 विद्युतीकरण परियोजनाएं और MMTS फेज 2। यात्री सेवाएं। दक्षिण मध्य रेलवे औसतन प्रतिदिन लगभग 712 यात्री वहन करने वाली गाड़ियों को चलाती है, जिसमें 10.6 लाख आरंभिक यात्रियों का आवागमन किया जाता है। इनमें 241 मेल एक्सप्रेस गाड़ियां, 350 पैसेंजर गाड़ियां और 121 MMTS उपनगरीय गाड़ियां शामिल है। हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे पर आधुनिक सवारी डिब्बों सहित वातानुकूलित डबल डेकर गाड़ी सेवा भी आरंभ की गई है। इसके अलावा त्योहारों और छुट्टियों के सीजन में यात्रियों की मांग को पूरा करने के लिए पिछले वर्ष के दौरान 730 विशेष गाड़ियां चलाई गई और गाड़ियों में 8,030 अतिरिक्त सवारी डिब्बे जोड़े गए, जिससे 9.5 लाख यात्री लाभान्वित हुए। दक्षिण मध्य रेलवे के नेटवर्क के लगभग सभी प्रमुख नगरों का देश के सभी प्रमुख नगरों के साथ सुविधाजनक रेल लिंक उपलब्ध है। गाड़ी सेवाओं के समय पालन को अत्यंत महत्व दिया जाता है। एक्सप्रेस गाड़ी सेवाओं का समय पालन 97% तक बनाए रखा जाता है, जो भारतीय रेल पर उत्तम निष्पादनों में से एक है। नगर यात्री गाड़ी सेवा MMTS पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसके समय पालन पर उच्चतम स्तर पर निगरानी रखी जाती है और प्रत्येक मिनट की समय हानि का हिसाब रखा जाता है। माल सेवा। दक्षिण मध्य रेलवे भारतीय रेल पर प्रमुख मालवाहक जोन है। इसका विशाल नेटवर्क कोयला, सीमेंट, ग्रेनाइट, खाद्यान्न और उर्वरक जैसे थोक पन्नियों का भारी मात्रा में वहन करता है, जो सिंगरेनी कोलियरी, थर्मल पावर प्लांटों, सीमेंट उद्योगों, बंदरगाहों और खाद्य निगम की आवश्यकताओं को पूरा करता है। साथ ही सनत नगर, नागुलपल्ली और रेड्डीपाले में स्थित भारतीय कंटेनर कॉरपोरेशन के टर्मिनल इस क्षेत्र की वाणिज्यिक गतिविधियों को सेवा प्रदान करते हैं। Our two major ports, the Krishnapatnam port and Kakinada port, are within the jurisdiction of these railways. And the number of trains handled there, which were almost 10 to 12, has gone up to almost 16 to 18 and sometimes even 20 trains a day, which is a very satisfying factor. We have doubled the track up to Krishnapatnam and we have even electrified the track up to Krishnapatnam. So we are having a major boost as far as the port connectivity is concerned, which will be a very major factor in our ensuing year. हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे ने माल यातायात में उल्लेखनीय प्रगति दर्शाई है। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान इस जोन पर 108 मिलियन टन माल यातायात का रिकॉर्ड लदान किया गया। दक्षिण मध्य रेलवे औसतन प्रतिदिन 400 माल गाड़ियां चलाती है।
दक्षिण मध्य रेलवे पर यात्री और माल यातायात में हुई भारी वृद्धि से इस जोन के अर्जन और वित्तीय कार्य निष्पादन को बढ़ावा मिला। दक्षिण मध्य रेलवे पर वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान 10,600 करोड़ रुपए का सकल अर्जन किया गया। इसमें माल यातायात से 7,427 करोड़ रुपए और यात्री यातायात से 2,674 करोड़ रुपए का अर्जन शामिल है। एंटायर इंडियन रेलवेज वी लोड समवेयर अराउंड 1,000 प्लस मिलियन टन, वेल 10% ऑफ दैट इज बीइंग लोडेड ऑन माय रेलवे। लास्ट ईयर वी लोडेड 107.5 मिलियन टन एंड दिस ईयर वी वांट टू अचीव ऑलमोस्ट 120 मिलियन टन दिस ईयर थ्रू आवर इनोवेटिव मींस। वित्तीय नियंत्रण के कारण इस जोन पर पिछले वर्ष के 84% परिचालनिक अनुपात सहित 4100 करोड़ रुपए का परिचालन अधिशेष प्राप्त किया जा सका। संरक्षा और सुरक्षा। गाड़ी परिचालन में संरक्षा को अत्यंत प्राथमिकता दी जा रही है। वर्ष 2013-14 के दौरान इस जोन पर कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई और यात्रियों को उनके गंतव्य स्थलों तक 100% सुरक्षित पहुंचाया गया। पिछले 3 वर्षों में 440 बिना चौकीदार वाले समपार फाटकों को हटाया गया। वर्ष 2016-17 तक सभी बिना चौकीदार वाले समपार फाटकों को हटाने के लिए कार्य योजना बनाई गई है। संरक्षा को ठोस बनाने के लिए नियमित रूप से समपार फाटकों पर संरक्षा तथा गाड़ियों में ज्वलनशील पदार्थों को न ले जाने से संबंधित जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करना एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। 31 प्रमुख स्टेशनों पर 431 सीसीटीवी निगरानी कैमरे लगाए गए हैं। संवेदनशील सेक्शनों पर 318 चिन्हित गाड़ियों में सुरक्षा मार्ग रक्षण की व्यवस्था की गई है। 24 घंटे और 7 दिन सुरक्षा हेल्पलाइन आरंभ की गई है और इसकी रेल सुरक्षा बल कंट्रोल रूम द्वारा निरंतर मॉनिटरिंग की जाती है। As far as the women's security is concerned, which has been a concern all over the country, we have been able to introduce Nirbhaya Squad, which is having a group of the ladies train conductors as well as the RPF lady constables, which is taking care of the females and especially in the odd hours, so that you know the ladies feel very secure, and there has been very good response from my traveling commuters on this front. सिकंदराबाद, हैदराबाद और तिरुपति स्टेशनों पर शीघ्र ही समेकित सुरक्षा प्रणाली आरंभ की जाएगी। यात्री देखभाल और सुख सुविधाएं। यात्रियों को आधुनिक सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने में दक्षिण मध्य रेलवे परम आदर्श अर्थात रोल मॉडल के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में 438 करोड़ रुपए की लागत के यात्री सुख सुविधा कार्य चल रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान यात्री सुख सुविधा अवसंरचना के उन्नयन के लिए 95 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब तक 48 स्टेशनों को आदर्श स्टेशन के रूप में आधुनिकीकृत किया गया तथा 3 और स्टेशनों पर यह कार्य चल रहा है। गाड़ी चालन पर सीधी अर्थात लाइव सूचना के लिए सभी MMTS स्टेशनों पर 215 GPS, GRPS आधारित हाई डेफिनेशन LED डिस्प्ले मॉनिटर लगाए गए हैं। यात्री सुविधा को बढ़ाने की दिशा में दक्षिण मध्य रेलवे के सभी प्रमुख स्टेशनों में बड़े पैमाने पर एस्केलेटर और लिफ्ट लगाने का कार्य आरंभ किया गया है। सिकंदराबाद, विजयवाड़ा, काचीगुड़ा, तिरुपति, नांदेड़, नेल्लोर और तेनाली में 23 एस्केलेटर आरंभ किए गए हैं। 17 स्टेशनों पर 25 और एस्केलेटर लगाने का कार्य चल रहा है। इसके अलावा अब तक दक्षिण मध्य रेलवे के 13 स्टेशनों पर 32 लिफ्ट भी लगाई गई है। शीघ्र ही 15 स्टेशनों पर 28 और लिफ्ट लगाए जाएंगे। सिकंदराबाद स्टेशन को भारतीय रेल पर ऐसे पहले स्टेशन होने का गौरव प्राप्त है जहां सभी प्लेटफॉर्मों पर एस्केलेटर और दोनों प्रमुख प्रवेश द्वारों पर लिफ्ट की व्यवस्था है। दक्षिण मध्य रेलवे यात्रियों को बेहतर खान पान सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है। यात्रियों को ताज़ा और गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना हमारा प्राथमिक लक्ष्य है। हमारी जोन ने
विशेष रूप से खान पान संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए 24 घंटे और सातों दिन हेल्पलाइन नंबर स्थापित किए हैं। गलती करने वाले लाइसेंस धारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। स्टेशनों पर साफ सफाई। दक्षिण मध्य रेलवे का मानना है कि स्वच्छता में ईश्वर का वास है। स्टेशन परिसरों के साज सज्जा के लिए कई उपाय किए गए हैं। बड़े स्टेशनों की साफ सफाई मशीनों द्वारा की जा रही है। प्रमुख स्टेशनों पर आसानी से धुलाई के लिए प्लेटफॉर्म लाइनों पर वॉशेबल एप्रन लगाए गए हैं। 13 अनुरक्षण डिपुओं में प्रतिदिन 81 गाड़ियों में 1200 सवारी डिब्बों की मशीनों द्वारा सफाई की जा रही है। 39 एक्सप्रेस गाड़ियों में ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। स्वच्छ गाड़ी स्टेशन योजना के अंतर्गत विजयवाड़ा और गुंतकल स्टेशनों पर 66 लंबी दूरी वाले एक्सप्रेस गाड़ियों में मार्ग में साफ सफाई की जाती है। कीड़े मकौड़ों, चूहों और खटमलों की समस्या को दूर करने के लिए सवारी डिब्बों में धूमन अर्थात फ्यूमिगेशन द्वारा नियमित रूप से विसंक्रमित किया जा रहा है। चूहों को पकड़ने के लिए वातानुकूलित सवारी डिब्बों की बर्थों के नीचे ग्लू पैड केज रखे जा रहे हैं। रेलवे परिसर में सफाई व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सवारी डिब्बों में बायो शौचालयों को बड़े पैमाने पर रेट्रोफिट किया जा रहा है। अब तक हुसैन सागर, बेंगलुरु, मछलीपट्टनम, मनुगुरु, विशाखा और पद्मावती एक्सप्रेस गाड़ियों के 65 सवारी डिब्बों में 194 बायो शौचालय संस्थापित किए गए हैं। गुणवत्ता वाले लिनन की आपूर्ति एक और चिंता का विषय है। साफ सुथरे और गुणवत्ता वाले लिनन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हैदराबाद शहर में प्रतिदिन 5000 बेडरोल सेट सप्लाई करने के लिए 2 यांत्रिकृत लॉन्ड्रियां स्थापित की गई हैं। शीघ्र ही काचीगुड़ा, तिरुपति, काकीनाड़ा और विजयवाड़ा में 128 करोड़ रुपए की लागत पर 4 और यांत्रिकृत लॉन्ड्रियों को संस्थापित किया जाएगा। प्रणाली में सुधार और नवीकरण। दक्षिण मध्य रेलवे यात्रियों को संतोषजनक सेवाएं प्रदान करने की दिशा में निरंतर प्रणालीबद्ध सुधार और नवीकरण में विश्वास रखती है। सूचना प्रौद्योगिकी को सुदृढ़ करने के लिए दक्षिण मध्य रेलवे ने नगरद्वय हैदराबाद सिकंदराबाद के रेल उपयोगताओं के लाभ के लिए हाइलाइट्स हैदराबाद सीधी गाड़ी पूछताछ प्रणाली आरंभ की है। ट्रैक लाइव कंडीशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ दीज ट्रेन्स एंड एट वन स्टेशन वी कैन सी दैट व्हिच इज द नेक्स्ट ट्रेन कमिंग इन एंड हाउ मच टाइम एंड प्रेजेंटली वेयर इज दैट ट्रेन। सो दिस एप्लीकेशन हैज गिवन अस अ ट्रेमेंडस कमेंडेबिलिटी बाय आवर कम्यूटर्स। जो अपने जैसा पहला स्मार्टफोन एप्लीकेशन है। हैदराबाद शहर के सभी स्टेशनों पर MMTS गाड़ियों के वास्तविक समय की सूचना और प्रमुख टर्मिनलों पर एक्सप्रेस पैसेंजर गाड़ियों के आगमन प्रस्थान की वास्तविक स्थिति की जानकारी किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल पर एक टच से प्राप्त की जा सकती है। इस फ्री एप्लीकेशन के लिए जनता से काफी सक्रिय प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। टुडे इट हैज बीन डन ओनली ऑन स्मार्टफोन्स थिंग एंड बट वी विल शॉर्टली बी डूइंग इट ऑन विंडो बेस्ड थिंग्स एंड वी शुड बी अवेलेबल ऑन योर पीसीज आल्सो। सोशल मीडिया भी जनता की प्रतिक्रिया का एक प्रभावशाली माध्यम है। जनता में अपनी लोकप्रियता और पहुंच पर गौर करते हुए दक्षिण मध्य रेलवे फरवरी 2013 में फेसबुक से जुड़ गई है। फिलहाल दक्षिण मध्य रेलवे की 4.5 स्टार रेटिंग है और अब तक इसे 16,000 से भी अधिक लाइक्स के साथ जनता से काफी प्रशंसा प्राप्त हुई है। इस पर नियमित रूप से प्रेस विज्ञप्तियां, रिक्त बर्थ, महत्वपूर्ण समारोहों की सूचना और रोचक फोटोग्राफ वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे सेवा प्रदान करने वाले स्थायी व चल अर्थात मोबाइल हेल्प डेस्क खोले गए हैं। दिस हेल्प डेस्क इज ए वंडरफुल आइडिया बिकॉज वी हैव कंबाइंड इट विद द मोबाइल हेल्प डेस्क यूनिट वेयर
a traveling passenger can put his complaints regarding the non-working of suppose air conditioning or the lighting or the water availability on a coach on a live basis. Even any theft or something, if it happens, God forbid it happens, but if it happens, then even FIR can be lodged at this help desk. सिकंदराबाद स्टेशन प्रतिदिन लगभग 240 गाड़ियों का संचालन और 1.6 लाख यात्रियों का वहन करता है. प्लेटफॉर्म 10 पर स्थित हेल्प डेस्क कियोस्क यात्रियों से व्यक्तिगत रूप से या फोन पर शिकायतें प्राप्त करता है. शिकायत प्राप्त होते ही हेल्प डेस्क द्वारा तत्काल शिकायत को संबंधित विभाग तक पहुंचाई जाती है और शिकायत को शीघ्र दूर करने के लिए शिकायतकर्ता को की गई कार्रवाई की सूचना दी जाती है. चल अर्थात मोबाइल हेल्प डेस्क जो प्लेटफॉर्म पर एक मोबाइल गाड़ी पर चलता है ऐसे यात्रियों के लिए उपयोगी है जो स्थायी हेल्प डेस्क तक पहुंचने की स्थिति में नहीं होते हैं. मोबाइल हेल्प डेस्क इज अगेन ए ब्रिलियंट थिंग विच हैज बीन एडेड ऑन दिस रेलवे एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म It is available because it may not be possible for all the passengers to reach at one stationary help desk. So we have provided a mobile help desk thing also. यात्रियों की शिकायतों और सुझावों के लिए एक SMS आधारित प्रणाली भी उपलब्ध है. यात्री अपनी शिकायतें 24 घंटे और सातों दिन SMS के माध्यम से 81212 पर भेज सकते हैं. उपयोगता को पावती और एक अलग आईडी भेजी जाएगी. स्थिति का जायजा दक्षिण मध्य रेलवे की वेबसाइट पर लिया जा सकता है. अब तक 1 लाख से अधिक शिकायतों और सुझावों को सुना गया और 99.8% मामलों के उत्तर दिए गए. आज दक्षिण मध्य रेलवे जनता की निरंतर बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई प्रौद्योगिकी और आधुनिक प्रबंधन प्रणालियां आरंभ कर रही है. जोन अपेक्षाओं और कार्य निष्पादन के बीच की खाई को पाटने के लिए निरंतर प्रयासरत है. यह जनता की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए नए विचार नवीन समाधान और स्पष्ट पद्धतियों को अपना रही है. जनता की आकांक्षाओं को ग्राहक केंद्रित सेवा के जरिए पूरा करना ही दक्षिण मध्य रेलवे का ध्येय है.